तो हाय फ्रेंड्स, मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ फ्रेंड, जिसमें हम लोग बात करेंगे फ्री फायर का जो एडवांस सर्वर में उसमें क्या क्या इवेंट चल रहे हैं। तो उसमें से बहुत बंदे का क्वेश्चन था कि ये जो डायमंड है ये आपको अपने रियल अकाउंट में ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, और इसमें क्या क्या इवेंट आ रहे हैं, ये इंडियन सर्वर में आएगा कि नहीं आएगा, और ये एडवांस सर्वर किस सर्वर का है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ऊपर में आप देख सकते हो कि इंडोनेशिया सर्वर में हम लोग एडवांस सर्वर ओपन किए हैं। तो हमारा ये इंडोनेशिया का सर्वर है, तो उसमें हम लोग जाके लॉग इन किए तो हम लोग इंडोनेशिया का मिला है। ठीक है, तो फाइनली हमें इंडोनेशिया का सर्वर मिल चुका है यहाँ पे एडवांस सर्वर का। तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं, जिसमें से आपको नहीं, हमें जो एडवांस सर्वर मिला है और मैं जो सब्सक्राइबर को भी एडवांस सर्वर मिला है उनके बारे में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या इवेंट चल रहे हैं। तो सबसे पहला आपको यहाँ पे इवेंट देखने को मिल जाएगा। तो पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे दो दिन लॉगिन करने का आलोक कैरेक्टर मिला, और इसके साथ साथ मुझे क्या मिला, 2-8 लेवल का कार्ड जो मुझे अपग्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आलोक कैरेक्टर को अनलॉक कर देता हूँ, मुझे कैरेक्टर फ्री में मिल चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे 2-8 लेवल का कार्ड मिल गया है। यार भाई साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग था यार ये, मुझे बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा लगा जो एडवांस सर्वर में दिया जाता है, टेस्टिंग के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे अगर मैं 4 दिन लॉगिन करूँगा तो मुझे गन का स्किन मिल जाएगा, जो हमारा M41 का परमानेंट गन स्किन मिलेगा, और यहाँ पे 1000 डायमंड मिल जाएगा 7 दिन लॉगिन करेंगे तो। और यहाँ पे बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं जिससे लेवल अप मिशन, तो लेवल अप मिशन में मैं 13 लेवल में पहुंच चुका हूँ, 15 लेवल में करूँगा तो मुझे रैंक टोकन मिल जाएगा 4000 का, और यहाँ पे 2000 का डायमंड मिल जाएगा, 20 लेवल में चल जाऊँगा 5000 का यहाँ पे रैंक टोकन मिल जाएगा, और यहाँ पे 7000 क्या है, तो इनका कुछ ग्लिच है, 7000 का कुछ ये ड्रेस दिखा रहा है, बट इनका कुछ ग्लिच है, दिखा रहा भी नहीं नाम, यहाँ पे कुछ ग्लिच होगा, देखते हैं इसमें क्या मिलता है। ठीक है, 3000 का फिर रैंक टोकन है, और 10 वेपन रोल का वाउचर मिलेगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे हमें 5000 डायमंड मिलेगा अगर मैं 5 रैंक मैच खेलता हूँ। ये डेली मिशन है, ठीक है, ये हमारा डेली मिशन का टास्क है यहाँ पे रैंक मैच खेलने के लिए, और ये हमारा यहाँ पे 5000 डायमंड फिर मिलेगा, और 500 डायमंड मिलेगा, फिर 1500 डायमंड फिर से मिलेगा अगर हम मैच कंप्लीट कर देते हो। तो पहला मैं कंप्लीट नहीं किया, इसके लिए मुझे बुया करना होगा 1 टाइम एंजिला इन एनी मोड, तो यहाँ पे एंजिला का जो कैरेक्टर है उसको लेके खेलना होगा, और टीडीएम मोड, भाई यहाँ पे टीडीएम मोड मतलब क्लैश स्क्वाड मोड यहाँ पे बोला जाता है टीडीएम मोड को, तो मैं यहाँ पे क्लैश स्क्वाड मोड अभी तक खेला नहीं हूँ, जिसमें मुझे 200 डायमंड फिर 1000 डायमंड फिर 2000 डायमंड फिर 3000 डायमंड मिलेगा, और यहाँ पे 5000 डायमंड फिर 1000 डायमंड फिर 2000 डायमंड और फिर 200 डायमंड मिलेगा, फिर उसके बाद आप देख सकते हो 800 का डायमंड फिर 200 डायमंड फिर 500 डायमंड। इसके लिए मुझे वही मोड खेलना होगा, क्लैश स्क्वाड मोड खेलना होगा उसके लिए। तो ये सब कंप्लीट करने से मुझे ये सब मिल जाएगा। और फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये अपडेट मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि बहुत बंदे का क्वेश्चन था कि भाई एडवांस सर्वर का पूरा डायमंड तो अपने रख लिया भाई, क्यों नहीं दे रहा हमको, दे दे भाई कुछ तो दे दे भाई, मेरा आईडी ले ले। लाइव स्ट्रीम में भी आप अगर लाइव स्ट्रीम देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, बहुत बंदे बोलते कि गिफ्ट कर दे भाई, मेरे को गिफ्ट कर दे, इतना सारा डायमंड लेके क्या करेगा एडवांस सर्वर में भाई, अपने अकेले लेके जाता। तो यही चीज़ क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ भाई, ये एडवांस सर्वर का जो डायमंड है मैं अपने रियल अकाउंट में नहीं ले सकता, ना ही आपको दे सकता हूँ, बस इसमें ये गेम के लिए यूज़ कर सकता हूँ। और फ्रेंड अगर आप बोलोगे तो मैं ये यहाँ पे पूरा जितना आइटम है पूरा कैरेट ओपन करूँगा, कितना कैरेट ओपन करूँगा, किसका कैरेट ओपन करूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आप लोगों के बोलने से ही मैं यहाँ पे जो कैरेट सब है ओपन करने का ट्राई करूँगा। और आप बोलोगे तो यहाँ पे गिल्ड टोकन का जो आता है सभी चीज़ को ओपन करने का ट्राई करूँगा, और यहाँ पे जो रैंक टोकन का भी हमारा सभी आइटम हम लोग अनलॉक करने का ट्राई करेंगे। तो भाई साहब कमेंट करके ज़रूर बताना, और यहाँ पे बहुत सारे अपडेट मैं आपको बता दूँगा कि क्या 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 आया है, और यहाँ पे आपको लॉगिन रिवॉर्ड में क्या क्या मिलता है आपको ये भी मैं आपको ठीक से समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो भी बंदे नए बंदे आएंगे फ्री फायर में ज्वाइन करेंगे उनको ये सब कैरेक्टर में ये सब फ्री मिलेगा देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे लॉगिन रिवॉर्ड दिया आपको, लॉगिन रिवॉर्ड में यहाँ पे निंजा वाला बंडल मिल जाएगा फ्री में, ठीक है, और यहाँ पे आपको स्केटबोर्ड मिल जाएगा अगर आपको मौको लोगे तो, और यहाँ पे M4 लॉरा कर लेगा तो यहाँ पे एक लेवल मतलब एक डायमंड रॉयल का वाउचर और 4 लेवल का कार्ड मिल जाएगा, और यहाँ पे हमारा रेफरल को 2 रैंक टोकन 2 मिल जाएगा। और आपको ये टास्क अभी हम लोग फ्री फायर में जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि अब फ्री फायर बोला जा रहा है, ये लीक्स बता रहा हूँ, ये लीक्स है, ठीक है, कि अब हमको रैंक टोकन जल्दी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अपने गेम के अंदर। और ये रैंक टोकन हमें रैंक टोकन में ही मिलेगा, डबल रैंक टोकन हमको रैंक टोकन में ही आपको एक्सचेंज करने को मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, और यहाँ पे डेली लॉगिन रिवॉर्ड भी हमें मिल रहा है, और यहाँ पे आपको देखा जा रहा है कि लेवल अप रिवॉर्ड भी मिलेगा, अगर आप जितने लेवल में जाओगे तो आपको यहाँ पे कैरेक्टर फ्री में मिलेगा। और एक गुड न्यूज़
आप लोगों के लिए जो यहाँ पे स्किल शॉट है, यहाँ पे चार स्किल शॉट आ चुका है जैसे कि मैंने आपको अपडेट में बताया था। और एक खास चीज़, जो भी आप कैरेक्टर को अपग्रेड करते हो, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपग्रेड कर लेता हूँ आलोक कैरेक्टर को पहले, ठीक है। और यहाँ देखो आलोक कैरेक्टर को अपग्रेड किया तो मुझे यहाँ पे समरी एयर ड्रॉप अनलिमिटेड मिल गया, अनलिमिटेड। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर का यहाँ पे ये भी अनलॉक कर देता हूँ, 2000 गोल्ड तो है नहीं तो इसी से करना होगा। तो यहाँ पे देखो मैं दो कैरेक्टर यूज़ कर लेता हूँ, एक तो इसको यूज़ कर लेता हूँ और जो दो नए कैरेक्टर उसी को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं चाहूँगा तो यहाँ पे एक और स्किल स्लॉट ओपन कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मुझे कोई अभी काम है नहीं उतना, और उसके लिए मुझे ए 125 डायमंड देना होगा, ठीक है। चलो अनलॉक कर ही देता हूँ। और यहाँ पे मैं चार स्किल यूज़ कर लिया हूँ, तो आप देख सकते हो कि मैं लेवल अपग्रेड भी कर लिया हूँ। और चलते हैं अपना एक और कैरेक्टर अपग्रेड करते हैं। तो फ्रेंड आपको एक चीज़ बताऊँगा, ये जो कैरेक्टर है अगर आप इसको अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो मत करो, आप इस कैरेक्टर को मत लो, उतना यूज़फुल नहीं होगा। अगर आप बोलोगे तो जो अच्छे प्लेयर होंगे उतना यूज़ नहीं करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि उतना आप लैंडमाइन ग्रेनेड उतना नहीं फेंकते हो, हाँ फेंकते हो बट उतना नहीं फेंकते हो कि अगर कोई कुछ टास्क आता है इलीट पास का तो आप इसको कैरेक्टर को लेके यूज़ कर सकते हो। और ठीक है, तो यही अपडेट था। और यहाँ पे आपको जो फीमेल का जो हमारा कैरेक्टर है, जो जैसे कि मैं आपको बताया था फीमेल का कैरेक्टर ये है, तो फीमेल का कैरेक्टर भी आप अपग्रेड कर सकते हो, तो इसको भी ले सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा फीमेल कैरेक्टर भी उतना बेटर नहीं है। तो जो भी दो नया कैरेक्टर है उतना खास नहीं है, अगर लगता है आपको अच्छा लगता है तो अलग बात है, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। वीडियो चलाओ प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों को शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर कर देना। और भाई जो भी बंदे बोल रहे हैं उनका डाउट क्लियर कर दिया हूँ कि आपको फाइनली आपको आपका आंसर मिल ही गया होगा कि ये जो डायमंड मिलता है मुझे, मैं इसको अपना रियल अकाउंट में नहीं ले सकता। जो भी बंदे बोल रहे थे कि भाई वोट है मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा, उसी लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाया था, ठीक है। चलो एक लाइक ज़रूर कर देना भाई लोग, अगर आपको आपको आंसर मिल गया तो ठीक है, बाय।